नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे हम आए लाल किला हाइटी बुफे ट्राई करने। मेन शारे फैसल पे कारसस रोड के पास ये रेस्टोरेंट बहुत ही कदीम है और हाइटी बुफे में इसका बहुत ही ज्यादा नाम है। एंटर होते ही इन्होंने थोड़ा सा वेटिंग एरिया बनाया हुआ है और हमें मिला यहाँ पे डिस्काउंट गो लूटो ऐप से, जो की फ्लैट 10% था। दरवाजे से एंटर होते ही इन्होंने ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है और ये बिल्कुल लाल किला जैसे के नाम है किले की तरह एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। पुराने कदीम जमानों के किलों की तरह इसमें आबशारी आबशार हर जगह बनाए हुए हैं। साथ साथ बारबेक्यू बन रहा था, दो तरह की चिकन बोटी थी और बीफ कसीख कबाब थे। बहुत ही उम्दा किस्म का इनके पास बारबेक्यू था। अगर मैं कहूँ कि लाल किला अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ की क्या बेस्ट चीज है, तो इनका खाना सबसे बेहतरीन है और सबसे मजे का इनका ये गोल गप्पे का स्टॉल। वाह, कौन सा पानी भाई? लेमन, ये वाला कौन सा? पाइनएप्पल। और ये पुदीने का पानी है। ये वाला इमली, ये भी इमली है। चिली मिली। और ये वाला खट्टा मीठा। और यहाँ पे चॉकलेट, एक पाव में से चॉकलेट गोलगप्पा में मिलेगा। वाह, इंडिया में जैसे गोलगप्पे खाए जाते हैं और वो आपको फॉरन बना के दे रहे होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेंगे इस तरह के गोलगप्पे। और मजे की बात है, चॉकलेट गोलगप्पा भी। इसके अंदर ये बंटीज डालते हैं, ऊपर से चॉकलेट डालते हैं और इमेजिन नहीं करेंगे इनका हर तरह का गोलगप्पा 10 out of 10। और सबसे मजे का इनका ये गोलगप्पे का स्टॉल लगा, इतना मजा आया बता नहीं सकते। उसके बाद थे ये कुछ अंग्रेजी मीठे वेफल्स एंड चोरस। ये नए किस्म के मीठे हैं जो आजकल चल रहे हैं। इसमें चॉकलेट सॉस, कैरेमल सॉस भी रखा होता है, साथ साथ इनका कोला गंडा का स्टॉल। और इतनी गर्मी में, जितनी कराची में गर्मी पड़ रही है, ओह उसके लिहाज से तो मजा ही आ गया। आप इसकी मेकिंग देखिए, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, रेड और उसमें इन्होंने ऊपर से डाला कैरेमल। रेनबो के कलर्स होते हैं ना, इतना ही खूबसूरत लग रहा था। और आप अपनी मर्जी का गोला गंडा भी तैयार करवा सकते हैं, ये बहुत मजे का था। देन आती है इनकी ये टिपिकल पठान वाली कोयला चाय। इसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इन्होंने छोटे छोटे कप्स रखे हैं और बहुत ही मजे के टी बैग्स वाली चाय भी इन्होंने रखी हुई थी, जो टी बैग्स वाली चाय पीना चाहे, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो पठान वाली चाय जरूर ट्राई करें। उसके बाद है इनके तीन किस्म के जूसेस, मैंगो, लेमन, रू अफ़ज़ा। और आपको पता है इनमें सबसे बेस्ट कौन सा जूस था? रू अफ़ज़ा। इमेजिन, क्योंकि बाकी जूसेस थे एवरेज। जगह जगह लाल किला मैनेजमेंट ने लिख के लगाया हुआ है, बददुआ से बचिए, कोशिश करें प्लेट साफ करें। तो प्लेट में खाना उतना ही डालें जितना आप खा सकें, खाने को जाया नहीं करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो पहले ही जो चीज लें, थोड़ी सी लें, टेस्ट करके देखें, अच्छी लग रही है तो फिर और लें। ये हमारे पास थी फ्राइड फिश और इसका टेस्ट था एवरेज। उसके बाद थी इनकी दही बूंदी, यानी मीठे वाले दही बड़े थे ये, और इसका टेस्ट था बहुत ही अच्छा। दही की क्वांटिटी बहुत अच्छी डाली हुई थी और बहुत ही मजे के थे। देन है ये पकोड़े, डिफरेंट तरह के, आलू वाले पकोड़े, मिर्ची वाले पकोड़े एंड मिक्स पकोड़ा। ये जो कलर ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये बेसिकली लाइट का कलर था और आई थिंक, मुझे लगता है इन्होंने गर्म रखने के लिए ये लाइट बल्ब लगाए हुए थे। हमने ये पकोड़े ट्राई नहीं किए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम हर चीज नहीं खा सकते, हम वही चीज हाइटी में खाएं जो हम खा सकें और खाना जाया ना करें। देन इनकी ये फ्राइड रोल थे और रोल बहुत ही अच्छे थे, शक्ल से ही आपको नजर आ रहा होगा। और दूसरा, यहाँ पे हर चीज लाइव बन रही थी। देन इनका ये दम की समोसा था, क्रिस्पी क्रिस्पी समोसा, बहुत मजे का था। देन है इनके चिकन लॉलीपॉप और ये थे एवरेज, ना बहुत अच्छे थे ना बहुत खराब थे, ओके, यानी हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, स्पाइसी इतने नहीं थे। देन ये इनकी गार्लिक फ्राइज हैं, बहुत ही मजे की फ्राइज थी। उसके बाद मिलेगा आपको हलवा पूरी कचौरी का पूरा सेटअप। ये है चने का सालन, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही मजे का था। देन है आलू की भुजिया, यानी कि आलू का सालन, और इसके साथ था इनका गर्मा गर्म सूजी का हलवा, और साथ साथ इन्होंने अचार भी रखा हुआ था। ताजा ताजा पूरियां फ्राई हो रही थी और कचौरियां भी आप ले सकते हैं। मैंने एक चीज नोट की है, हाई टी में हमेशा जो है हलवा पूरी कॉर्नर होता है और वो बहुत ही बेहतरीन होता है।
अगर आप जाते साथ ही हलवा पूरी खा लेंगे तो आपका मैदा हो जाएगा डिक और आप और खाना नहीं खा सकेंगे। आप हाईटी पे तो खाना खाने आए तो स्टार्टिंग में हलवा पूरी मत ट्राई करें। तेन है इनकी ये शाही हलीम, बीफ हलीम थी सारे लवाजमात के साथ और इसका टेस्ट था बहुत ही मजे का। अगर आपने मेरी बाकी हाईटीज की वीडियो देखी है जिसमें मैंने चौपाल, क्लॉक टावर, कोयला चाय कवर किया है, तो मैं कभी भी खाने की झूठी तारीफ नहीं करती हूँ। जो खाना जैसा होता है वैसे तारीफ करते हैं ताकि आप लोगों के पास जाए सच सच रिव्यू और आप उसके बेसिस पे चूज कर सकें आसानी से कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। देन इनके पास था चिकन कॉर्न सूप और उसके बाद ये पास्ता, पास्ता थोड़ा हार्ड था। ये है इनकी थाई ग्रीन करी विद बटर राइस और ये पता नहीं क्या था, इसकी ग्रेवी कह लें करी कह लें वो बहुत ही मजे की थी, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्या डाला हुआ था वो हमें समझ में नहीं आया। ये राइस बहुत ही मजे के थे और साथ था इनका चिकन चाउमीन। इसका टेस्ट था एवरेज, जैसा कि आपको शक्ल से नजर आ रहा होगा बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं थे। हमें तो चाइनीज भी पाकिस्तानी स्टाइल में चाहिए होता है, यानी इसे स्पाइसी चाहिए होता है। देन शहजादा सलीम खास, ये कोई सॉसेजेस का सालन बनाया हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम खा रही थी तो मुझे पसंद नहीं आया। देन था इनका ये व्हाइट सॉस पास्ता, ये भी एवरेज है। अब इसके बाद है इनके कुछ बेकरी आइटम, चिकन कैश बहुत ही मजे का था, डिफरेंट था और ये मैंने आगे भी खाया हुआ है तो हो सकता है कुछ लोगों ने ना खाया तो डेट इज डिफरेंट। और ये चिकन पेटिस और उसके साथ थे चिकन क्लब सैंडविच, सैंडविच बहुत ही मजे का था, यम्मी। और फिलिंग आप देख रहे हैं, फिलिंग से आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद थे गर्मा गर्म गुलाब जामुन, अभी तो बहुत सारी मीठे की वैरायटी अभी बाकी है, वेट करें। गार्लिक पिज्जा, यानी कि आप पिज्जा भी खा सकते हैं और साथ साथ लाइव इनका शवारमा बन रहा था, आप चाहे ऑर्डर करें और सामने सामने बनवाएं। चिकन शवारमा ओके था, लेकिन आप अपनी पसंद का शवारमा बनवा सकते हैं। ये इनका पूरा सेटिंग एरिया है और सेटिंग एरिया आउटसाइड वाला तो बंद किया हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो ये इनसाइड वाला एरिया ओपन किया हुआ था जहाँ एसी है। उसके बाद है इनका ये मजे वाला कॉर्नर, सलाद और डेजर्ट कॉर्नर। तो आ जाए सलाद लवर और डेजर्ट लवर, ये है पूरा इनका कॉर्नर। सबसे पहले हम आपको सैलेड की वेरायटी दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको मीठे की वेरायटी दिखाएंगे। आप ये देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पे कॉर्न्स, डिफरेंट तरह की सॉस, हर चीज यहाँ रखी हुई थी। आपको कोई चटनी चाहिए सैलेड की, इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी कि मैं नाम लेते लेते थक जाऊं। तो सैलेड कॉर्नर तो इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अगर मैं कहूँ कि जितने मेन सैलेड्स हैं, जो भी अहम अहम मशहूर मशहूर फेमस आपके पास सैलेड्स हैं, हर सैलेड की वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। इसी तरह हर सॉस और चटनी की वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे। हमने कुछ सैलेड ज्यादा ट्राई नहीं किए, लेकिन हमने इनकी सॉसेस और चटनियाँ ट्राई की थी जो बहुत ही ज्यादा मजे की थी। साथ साथ हर चीज की रिफिलिंग भी हो रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई चीज खत्म हो गई तो उसको रिफिल नहीं कर रहे, साथ साथ ये रिफिल भी कर रहे थे। सैलेड की वैरायटी के साथ साथ इन्होंने कुछ वेजिटेबल्स भी रखी थी, अगर कोई वेजिटेबल्स फ्रेश खाना चाह रहा है तो वेजिटेबल्स भी ले सकता है। चिक पीस भी रखे हुए थे, देन एप्पल कोल्सला है, तो डिफरेंट तरह के इनके पास सैलेड्स थे, डिफरेंट वेजिटेबल्स थी जो सैलेड में यूज होती हैं, वो सब इन्होंने रखा हुआ था ताकि लोग आए ताकि अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सके। अगर आप कोई इस तरह का बुफे देख रहे हैं जहाँ का आपको खाना भी बेहतरीन चाहिए और ट्रेडिशनल लोकेशन देख रहे हैं जो रिवायती लोकेशन होती है, लाइक किला नुमा ये पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन जैसे बुफे होता है आपके पास बहुत सारे डिशेस के ऑप्शन होते हैं, 100% हर चीज आपको द बेस्ट नहीं हो सकती, आपको दमाक नहीं हो सकती। कुछ चीजें आपको बेहतरीन मिलती हैं, कुछ एवरेज मिलती हैं, कुछ का टेस्ट आपको डेवलप नहीं हुआ होता, तो इस तरह है। लेकिन ओवरऑल यहाँ के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब आ गए हम डेजर्ट्स कॉर्नर पे। ये है शुगर फ्री मिठाइयाँ, टूटी फ्रूटी और शुगर के पेशेंट्स के लिए। तो शुगर के पेशेंट्स के लिए भी उन्होंने 2-3 ऑप्शंस रखे हुए, आप खा सकते हैं। हमें तो शुगर नहीं है सो हमने ट्राई नहीं किए, लेकिन शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे थे। देन है कुर्बानी का मीठा, इन्होंने छोटे छोटे बॉक्स बना के रखे हुए थे ताकि जाया ना हो। देन ये है खीर, तो कोशिश करें जितने भी लोग जा रहे हैं पहले एक ट्राई करें, अगर पसंद आए तो ले सकते हैं आप। फिर आपके पास मजे मजे का फ्रूट सैलड, देन जेली कस्टर्ड बहुत ही मजे का था, देन कैफे लास्कर ब्राउनी है, मजे की थी लेकिन थोड़ी सी हार्ड थी, सॉफ्ट होती तो और मजा आता। उसी में इन्होंने बहुत सारी और वेराइटीज भी रखी हुई थी। फिर आपके पास ट्रेडिशनल मीठा शाही टुकड़े, जैसा नाम वैसे ही इसका टेस्ट होता है हमेशा अच्छा। फिर
फिर इन्होंने ट्रेडिशनल मिठाइयाँ रखी हुई थी, तिरामिसु और पतीसा। सो हमने तो ये ट्राई नहीं किया, तो हम इसका टेस्ट आपको नहीं बता सकते। आप जाएं तो जरूर ट्राई कर सकते हैं, मिठाई लवर ट्राई कर सकते हैं। और क्रीम ब्रूल जिसमें अंदर ब्राउन चॉकलेट थी और ऊपर व्हाइट चॉकलेट थी। फिर इनके पास ये डिफरेंट और तरह के ऑप्शंस थे, आप ये देख रहे हैं, कस्टर्ड्स की वैरायटी थी, पेस्ट्रीज की वैरायटीज थी, बेकरी बिस्किट्स की वैरायटीज थी, और शाही टुकड़े इन्होंने दोबारा भी रखे हुए थे। फिर इन्होंने चीज केक्स के छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए थे कि अगर आप और लेना चाहते हैं तो आप इसको बॉक्सेस ले सकते हैं। पाइनएप्पल केक्स के बॉक्सेस थे और कस्टर्ड के बॉक्सेस इन्होंने बनाए हुए थे। बॉक्सेस का ऑप्शन भी अच्छा है कि इस तरह आप वो ले लें और खाना जाया ना हो। फिर इन्होंने जेली रखी हुई थी, ब्लैक फॉरेस्ट केक रखा हुआ था इन्होंने। फिर आपके पास चना चाट बनाने का ऑप्शन था, उसके लिए अलग अलग चीजें इन्होंने रखी हुई थी, चना, पापड़ी, जो भी मसाले आपको चाहिए होते हैं ताकि आप खुद से बना सके। और यहाँ पे उन्होंने इस तरह डिफरेंट चटनियां भी रखी थी, जो उसमें ग्रीन, इमली वाली, दही वाली, और इसके साथ साथ अगर मीठे में आइसक्रीम ना हो तो क्या फायदा, तो इन्होंने आइसक्रीम भी रखी हुई थी। ये इनका हाई टी बूफे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, हम चाहते हैं सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। 1990 की थी हाई टी, जिसपे हमें मिला था 10% ऑफ गो लूट लो ऐप पे। तो अगर आप भी आना चाहें तो ये डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, और इसकी टाइमिंग थी 4:30 से 6 बजे तक। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।